अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अच्छा तो बच्चों, आज हम जमात दुवम मज़मून रियाजी सबक नंबर 35 तवातुर ये सबक पढ़ेंगे। हमें तवातुर मुकम्मल करना है। तुम मेरी प्यारी बच्ची, आप पहले बताइए, आपको पहले कौन सा रंग भरे हुआ है? वाह, हरा। उंगली रख कर बताओ। हरा। हरे के बाद कौन सा रंग है? लाल। लाल के बाद कौन सा रंग है? पीला। उसके बाद कौन सा रंग है? हरा। हरा। तो मेरे बच्चों, इसमें आपको तवातुर मुकम्मल करना है, तो तवातुर मुकम्मल करने के लिए आप हरे के बाद कौन सा रंग भरोगे? लाल। बताओ लाल रंग, रंग भरकर बताओ। लाल के बाद आप कौन सा रंग भरोगे? पीला। बताओ पीला रंग, उसके बाद आप कौन रंग भरकर बताओ। शाबाश। हम दूसरी मिसाल में देखेंगे, वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ए। उसके बाद क्या है? बी। उसके बाद सी। सी के बाद क्या है? डी। वहां पर क्या आएगा? डी। लिखो डी, अच्छे से लिखो, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है बेटा, आपका तीसरे बच्चे का हम तवातुर देखेंगे। आपको शुरू में क्या दिख रहा? उसके बाद क्या है? उसके बाद उसके बाद क्या है? तो हमें तवातुर मुकम्मल करना है, तो आप वहां पर क्या लिखोगे बताओ मुझे बोलकर? लिखो। ए के बाद क्या लिखोगे आप? सबसे पहले आपको क्या लिखाई दे रहा? पाँच। पाँच के बाद क्या दिखाई दे रहा? दस। दस के बाद क्या दिखाई दे रहा? पंद्रह। हर अदद में पाँच का फर्क है, ठीक है? तो हमें तवातुर मुकम्मल करना है, तो पंद्रह के आगे कौन सा अदद आएगा? लिख कर बताओ। उस बीस के आगे कौन सा अदद आएगा? पच्चीस। लिख कर बताओ। अब हम अगला बच्चा, हमें तवातुर बनाना है। तवातुर आप अपनी मर्जी से बनाकर बताओ। तवातुर में आप किसी अदद, अशिया, रंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते। तो आप बनाना है जो अदद का हुआ, अदद का तवातुर बनाकर बताओ। क्या लिखे आपने पहले? एक। उसके बाद दो। ठीक है, आगे? उसके आगे दो। पूरा पढ़कर सुनाओ क्या लिखे। एक दो, एक दो, एक दो। शाबाश।